वो निश्चर के अंदर भी जो स्टूडेंट सेक्शन कराते हैं उसके साथ एक एडमिन का प्रभाव होता है, तो वो बजाय ये कि आप बाहर चेंज आए तो वो सारा कुछ एक पे है। और उसके अलावा 300 के अराउंड पैरामेडिक्स होंगे जिसमें नर्सेज भी हैं पैरामेडिक्स भी हैं। इसी तरह मॉडुलर थिएटर्स हैं, उनका कलर कम्बिनेशन, ये बहुत सारी चीज़ें इसको देख के रखा गया कि कहना आपको डल अपेयरेंस ना आए। स्टार्ट में जब आप नीचे आते हैं तो उसमें स्टार्ट में आपका ग्राउंड फ्लोर के अंदर आउटडोर ब्लॉक है जो बैक साइड के उसके एंट्री के बैक साइड पर रखी गई है, उसी फ्लोर के ऊपर आउटडोर बेसिस पे जो चीज़ें जरूरी हो सकती हैं कि अगर आप स्टिचिंग करनी है तो आपके पास थिएटर वहीं अवेलेबल हो, किसी को वॉश करना है ड्रेसिंग करनी है ड्रेसिंग रूम वहीं पर हो, एक्सरे वहीं पर हो, फार्मेसी वहीं पर हो। हमारे पास एक लेजर सूट है जिसके अंदर पिगमेंटरी लियन बर्थ मार्क और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए वो जो टेलीविजन के साथ वाला एक रूम है वो लेजर है। इसी तरह जो कंसल्टेंट्स हैं वो सारी चीज़ें वो ये कि पेशेंट ओपीडी से भी अगर एडमिट हुआ है तो आपने कंसल्टेंट की एडवाइस देखनी है कि उसने एसओपी के हिसाब से क्या उसको एडवाइस दी है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन उसने देनी है, किस एज ग्रुप पे कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हर हाल में करानी है। पी जी आर आपको ज़रूर बताएगा लेकिन उसमें यह है कि ईसीजी एक्सरे अगर 25 साल से ज़्यादा है तो उसका कराना है, यंग पेशेंट है अदरवाइज फिट है तो बस एक्सरे टेस्ट कराएं सी टी सी बारह मार्च और एच आई वी। जो इन्वेस्टिगेशन ब्लड की हैं उनमें आपका सी टी सी बारह मार्च और एच आई वी जरूरी है, कंपल्सरी है हर पेशेंट जो भी है इसके बगैर उसका प्रोसीजर नहीं होगा। चार्ट की कुछ बातें उसने बता दी होंगी तो चार्ट 86 ओ पी डी का हमारा उनमें से 300 कुछ है ना हमारा जनरल हमने ऑपरेशन किया और कौन कौन से ऑपरेशन होंगे वो भी फिर आप सारी चीज़ें उसमें से जान लेंगे। ए टू जी जहाँ तक जो कॉलम दिया उसको तसल्ली के साथ उसको करें और ये आपके रिफ्लेक्सिव भी बन जाते हैं। कल को किसी अच्छी जगह जाएंगे वहाँ पे तो आधा घंटा आपको जस्ट ऑपरेशन पर लग जाता है क्योंकि कल को जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आ जाएगा HMIS है जो उसमें तो टाइप करना हर हर चीज़ में कॉलम में जाके बड़ा मुश्किल था, प्री फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में बड़ा ईजी होता है। आप लोगों की साइंस स्टैम्प ये आपकी मंदूक है पहले दिन आपके पास अवेलेबल हो कि सर मैंने अभी दिया हुआ है अभी नहीं बना नहीं बना ये वो, क्योंकि जहाँ आपने कोई अपना लिख दिया है उसके नीचे स्टैम्प जरूर करें उसको मार्क करें कि आपने उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा और अगर उसका अदरवाइज है तो वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। और पी जी आर ने कुछ कह दिया इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो, बहुत सारी दफ़ा देखे हैं उसके नोट्स नहीं करते, तो जो भी प्रोग्रेस चार्ट है उसमें नीचे दिया होगा एडवाइस आपकी एक अपनी थिंकिंग और एक जो कंसल्टेंट है पी जी ने कहा वो तो आपने उसमें लिखना है डॉक्यूमेंट करना है कि ये पेशेंट सुबह मैंने देखा है अब ये कंप्लेंट करना है तो उसको डॉक्यूमेंट करें खाली ना छोड़ दो। वर्बल आपने किसी को नहीं बताना क्योंकि वर्बल का कोई प्रूफ कोई नहीं। और दूसरा सारी ज़िंदगी याद आता है और यही बदमाइन थी जो आपने साथ देते हैं। और लीव अगर आपने इवनिंग राउंड पे भी ऑफ करना है तो जिस बंदे ने राउंड करना है उसको जरूर इन्फॉर्म करना, क्रिटिसी कॉल जरूर देनी है, किसी ने आपको गोली नहीं मार देनी। और अगर आपने मॉर्निंग में कोई लीव देनी है तो फिर जो आपके ऑर्डर होते हैं उसको होता है कि हर मंथ दो छुट्टियाँ आपकी कि चार हैं दो हैं कैजुअल लीव ये होती है कि आपको कुछ वैसे ही रूटीन तो काम है आपने डेली कहाँ जाना है आप उसको तीन दिन पहले लीवर से साइन कराएंगे कि जी मैंने परसों जाना है ये मेरा लीवर है और मुझे ऑफ दिया जाए। आपका जो इमीडिएट कंसल्टेंट है उससे फॉरवर्ड करा के आपने डिपार्टमेंट में जमा करानी है और अगले दिन पता कर लेना कि मेरी लीव का क्या बना है। हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं ले लेंगे बात कर दिया सोचा तो आप प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हैं। सिक लीव है तो आप जाके उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट किसी बंदे का एक प्रिस्क्रिप्शन साथ लगा है कि मैं मुझे ना ये प्रॉब्लम हो गया है तो मैं आउट हो गया मैं वार्ड नंबर हो गया उन्हें